आईपीएल सीजन 11 के 24वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। दो साल बाद वापसी कर रही चेन्नई सुपर किंग्स का आते ही अपने रंग में दिखना इस बात का सबूत है कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स बहुत भारी पड़ने वाली है बाकी टीमों पर। और तो और, चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मैचों में जीत हासिल करते हुए ये बता दिया है कि क्यों उसे आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम माना जाता है। वहीं कप्तान विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 11वां सीजन अभी तक खराब रहा है। चेन्नई को अपने अगले मैच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को यानी आज को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से भिड़ना है। विराट कोहली की कप्तानी वाली बैंगलोर के लिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई का सामना कर आसान नहीं होगा। चेन्नई काफी शानदार फॉर्म में है और 5 मैचों में सिर्फ 1 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बैंगलोर को सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है। चेन्नई के बल्लेबाजों ने हर मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। शेन वॉटसन और अंबाती राइडू की सलामी जोड़ी फॉर्म में है, जो बैंगलोर के अभी तक राह से भटके गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकती है। सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रहते चेन्नई किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी मैच जीत सकती है। इन तीनों में वो काबिलियत है कि ये टीम को बड़ा स्कोर प्रदान कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य तक टीम को पहुंचा भी सकते हैं। गेंदबाजी में दीपक चहर ने काफी प्रभावित किया है। दीपक को शार्दुल ठाकुर का भी अच्छा साथ मिला है। दोनों ने 5 और 4 मैच खेले हैं और 6-6 विकेट हासिल किए हैं। ऑलराउंडर खिलाड़ी शेन वॉटसन भी टीम की गेंदबाजी की धुरी में शामिल हैं। स्पिन में लेग स्पिनर इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा अभी तक टीम के लिए काफी असरदार साबित हुए हैं। दोनों ने टीम को कठिन समय में सफलता दिलाई है। बैंगलोर की टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मनदीप सिंह, क्विंटन डिकॉक और ब्रेंडन मैकलम जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन इनमें कोहली को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं दिखा पाया है। कोहली ने 5 मैचों में करीब 58 की औसत से 231 रन बनाए हैं। वहीं अब्राहम डिविलियर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 39 गेंदों में 90 रनों की जानदार पारी खेली और अगर वो चेन्नई के खिलाफ भी इसी तरह के प्रदर्शन को जारी रखते हैं तो बैंगलोर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। बैंगलोर की समस्या सही ओपनिंग जोड़ी रही है। गेंदबाजी में यजुवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर से टीम काफी आस लगाए बैठी है। गेंदबाजी में क्रिस वोक्स ने भी प्रभावित किया है और 8 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं उमेश यादव के नाम भी 8 विकेट हैं। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लगभग हर सीजन में अपनी शुरुआत बेहद खराब करती है और उसके बाद जैसे तैसे गिरते पड़ते प्लेऑफ में पहुंचती है, लेकिन इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए राह आसान नहीं है। आईपीएल की 8 टीमें अपने जबरदस्त फॉर्म में हैं। वहीं पर बैंगलोर को अब ये समझना पड़ेगा कि क्या उनकी टीम के लिए सही बैटिंग कॉम्बिनेशन है। एक बात और जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि विराट कोहली को भी अब अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, खिलाड़ियों को लगातार खिलाने की जिद। जी हाँ, ब्रेंडन मैकलम को 3 मैच के बाद बाहर बिठा दिया गया। क्विंटन डिकॉक उस तरह से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हालांकि आईपीएल में 11 लोगों की टीम में आप सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं। वहीं पर अगर डिकॉक को मैच से बाहर बिठाया जाता है तो पार्थिव पटेल को मौका दिया जा सकता है, लेकिन विराट कोहली को युवा क्विंटन डिकॉक पर ज़्यादा भरोसा है। हालांकि डिकॉक ने 1 या 2 मैचों में 40 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन डिकॉक अभी तक उतने प्रभावशाली साबित नहीं हुए हैं। खासकर चेन्नई के गेंदबाजी अटैक के सामने क्विंटन डिकॉक को बहुत अच्छे से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि स्पिन अभी भी इस बल्लेबाज की कमजोरी बना हुआ है। अभी तक क्विंटन डिकॉक ने 5 में से 4 मैचों में अपने विकेट स्पिनर्स को थ्रो किए हैं। ऐसे में विराट कोहली को ये बात समझनी होगी कि आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो स्पिन अटैक अच्छा खेले। वैसे आपको बता दें
कि एम चिन्नास्वामी की विकेट अब वैसी विकेट नहीं रही जब वहां पर 200 से 220 रन आसानी से चेज हो जाते थे। अब ये विकेट वो विकेट है जहां पर आपको 150 से 160 बनाने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। विराट कोहली के लिए एक और चिंता का सबब यह है कि चेन्नई टीम के लगभग सभी बड़े चोटिल खिलाड़ी अब टीम में वापस आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी की वापसी हो गई है, सुरेश रैना की वापसी हो गई है और इसके बाद शेन वॉटसन और अंबाती रायडू काफ़ी अच्छी फॉर्म में हैं। ऐसे में चेन्नई की टीम का बल्लेबाजी क्रम काफ़ी संतुलित रखता है। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो चेन्नई की प्लेइंग 11 लगभग साफ नज़र आ रही है। फाफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, 3 नंबर पर सुरेश रैना, 4 नंबर पर अंबाती रायडू और 5 नंबर पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, 6 नंबर पर ड्वेन ब्रावो जिन्होंने पहले ही मैच में मुंबई के खिलाफ काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई थी, 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पर टर्बोनेटर हरभजन सिंह, 9 नंबर पर दीपक चहर, 10 नंबर पर इमरान ताहिर और 11 नंबर पर बहुत इम्पॉर्टेंट जो उन्हें गेंदबाजी करानी है शार्दुल ठाकुर। ये कॉम्बिनेशन के साथ चेन्नई की टीम आज बेंगलोर के खिलाफ उतरना चाहेगी। ख़ासतौर पर बेंगलोर की टीम को भी अब ये समझना पड़ेगा कि क्या उनकी टीम चेन्नई जैसी बड़ी टीम को हरा सकती है। बेंगलोर के लिए चिंता का सबब रही है उनकी गेंदबाजी। उनकी गेंदबाजी अभी भी उस लेवल की नहीं दिखी है जिस लेवल की दिखनी चाहिए। हालांकि बल्लेबाजी में भी असंतुष्ट प्रदर्शन दिखाया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में, जिस टीम में विराट कोहली और मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी हों, क्या उस टीम को किसी और खिलाड़ी की ज़रूरत है? लेकिन ये बात यह है कि विराट कोहली और डिविलियर्स की विकेट गिरने के बाद कोई भी खिलाड़ी मैच को फिनिश करके नहीं आता। हालांकि मनदीप सिंह के रूप में एक फिनिशर की झलक ज़रूर दिखती है, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी की बहुत ज़रूरत है। आरसीबी की यह पिछले 3 से 4 सीज़न की समस्या रही है कि उनके पास एक भी बड़ा फिनिशर नहीं रहा। ब्रेंडन मैकुलम को बाहर बिठाकर विराट कोहली ने पहले ही दर्शा दिया है कि टीम में बल्लेबाजी में 3 बल्लेबाज तो खेलेंगे ही, क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स और खुद ऑलराउंडर कोरी एंडरसन। हालांकि कोरी एंडरसन की जगह कोलिन डी ग्रैंडहोम को मौका दिया जा सकता है, लेकिन ग्रैंडहोम का प्रदर्शन अभी तक भारत में उतना सराहनीय नहीं रहा है, तो विराट कोहली जाहिर सी बात है कि रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे। वैसे आपको बता दें कि एम चिन्नास्वामी की विकेट हो सकता है कि आज तेज विकेट हो, क्योंकि यहाँ पर 3 पिचेस में से 2 पिचेस लो स्कोरिंग पिचेस हैं और 1 पिच हाई स्कोरिंग पिच है। तो क्या आज हाई स्कोरिंग पिच पर मैच हो जाएगा? अगर हाई स्कोरिंग पिच के आसार रहे तो ब्रेंडन मैकुलम को साफ तौर पर खिलाया जा सकता है और कोरी एंडरसन को बैठना पड़ सकता है। गेंदबाजी की बात की जाए तो उमेश यादव बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रदर्शन को लगातार दिखाने में असफल रहे हैं। वहीं क्रिस वोक्स ने काफ़ी जानदार गेंदबाजी की है और क्रिस वोक्स टीम को एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। क्रिस वोक्स के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक बॉलिंग ऑलराउंडर मिला है जो आपको कहीं से भी मैच निकाल कर दे सकता है। ख़ासतौर पर जब बात आती है आपने 5 में से 2 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं, तो यहाँ पर आपको लीड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं चेन्नई की टीम आसानी से मैच को जीतकर आगे बढ़ना चाहेगी। चेन्नई ने खेले गए अभी तक के 5 मैचों में 4 में से शानदार जीत दर्ज की है और सिर्फ उसे 1 मैच में पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी अब मौके काफ़ी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट अब अपने आधे फेस में पहुंच गया है। ऐसे में हर टीम चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतकर प्लेऑफ्स में जगह बनाने की कोशिश करे। सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स बेहतरीन फॉर्म में हैं और ये प्लेऑफ्स में जाने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन अभी सेकेंड फेज का प्रदर्शन बाकी है। अगर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की टीम इसी तरह के प्रदर्शन को, अगर जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के खिलाफ खेला, अगर इसी को कंटिन्यू रखती है तो हो सकता है कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स को भी हराने में कामयाब हो जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।